सिट्टू से संबंधित सैकड़ों मनरेगा व निर्माण मजदूरों ने हमीरपुर विकास खंड कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। हमीरपुर शहर में सिट्टू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर की अगुवाई में सिट्टू कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। सिट्टू नेताओं ने खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि मनरेगा मजदूरों को लिखित रूप में काम मांगने पर पंचायत सचिव काम दें और 15 दिन के अंदर रोजगार प्रदान करें। इसके अलावा 14वें वित्त आयोग के भवन निर्माण कार्यों को ठेके पर देना बंद किया जाए। सिट्टू ने आरोप लगाया है कि पंचायत में मनरेगा के निर्माण कार्यों को ठेके के आधार पर करवाया जा रहा है और कई जगह तो जेसीबी का उपयोग भी किया जा रहा है। मनरेगा मजदूरों को लिखित रूप में काम मांगने पर भी रसीद नहीं दी जाती है। इसके अलावा मनरेगा कार्यों में एस्टीमेट के नाम पर नाम मात्र दिहाड़ी देकर मनरेगा कानून की धज्जियां उड़ाए जाने के आरोप भी सिट्टू द्वारा लगाए गए। सिट्टू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि 14वें वित्त आयोग का काम ठेके पर दिया जा रहा है जो कि गलत है। वहीं लोगों को गांव में मनरेगा का काम नहीं मिल रहा है जिसके चलते आज वीडियो कार्यालय हमीरपुर का घेराव किया गया है। वास्तव में आज ये सीएचयू के जिला कमेटी के द्वारा हमीरपुर ब्लॉक के दफ्तर के बाहर धरना इस बात को लेकर दिया जा रहा है कि एक तो मनरेगा में मोदी सरकार ने बजट काट दिया जिसकी वजह से लोगों को 100 दिन का काम मिल नहीं रहा और जो बजट आया भी उसको ठेकेदार चट कर जा रहे हैं। पंचायतों में ज़्यादातर पंचायतों में जहां पर बीजेपी के समर्थक प्रधान हैं जिनको आशीर्वाद है बीजेपी का, वहाँ पर सारा का सारा काम चाहे मनरेगा का है चाहे आपका दूसरा काम है वो सारा का सारा काम जो है ठेके पर दिया जा रहा है। 14 वित्तियों के काम भी ठेके पर जा रहे हैं। अन्य जो एमएलए फंड एमपी फंड ये जितने सारे बजट आता है सारा का सारा ठेके पर दिया जा रहा है और लोगों को काम मिल नहीं रहे। एक सबसे बड़ा मुसीबत ये है। दूसरा है मनरेगा एक्ट में प्रावधान है कि कोई काम मांगने जाएगा पंचायत में तो उसको रसीद देगा सेक्रेटरी और सेक्रेटरी रसीद दे नहीं रहे। अधिकांश पंचायतों में चौकड़ी बनी हुई है, प्रधान सचिव रोजगार सेवक और टेक्निकल सहायक, ये चौकड़ी जो है पूरे प्रदेश पूरे पंचायत का बजट को खा रही है और लोगों को दिया नहीं जा रहा है और जहाँ पर काम है वहाँ पर वो प्रवासी मजदूरों से करवा जा रहे, स्थानीय मजदूरों को नहीं लगाया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी पंचायतों में है कि दिहाड़ी जो है पूरी 184 रुपये नहीं दी जा रही। डिडनी टिकर पंचायत है जहाँ पर 20 रुपये दिहाड़ी अभी पड़ी है। कुछ पंचायतें ऐसी हैं जहाँ 40 रुपये दिहाड़ी पड़ी है, कुछ पंचायतें ऐसी हैं जहाँ 80 रुपये दिहाड़ी पड़ी है। अब ये सारा जो नाटक है इसलिए हो रहा है क्योंकि पंचायत में एक पंच का मस्टोल में एक पंच का नाम शामिल होगा जो काम नहीं करेगा, दो तीन लोग प्रधान के चेते होंगे जो काम नहीं करेंगे, इक्का दुक्का और लोग ऐसे होंगे, 12 लोगों का मस्टोल होगा तो मौके पर जो है 4 या 5 आदमी काम करते हैं, 12 लोगों का काम 5 आदमी तो नहीं कर सकते, इसलिए जो है दिहाड़ी जो है कम पड़ रही है। और दूसरा जो पैमाइश का तरीका उसका भी हम विरोध करते हैं और सरकारी जो है कम मजदूरी दे रही है और जो आपका न्यूनतम वेतन है उससे कम मजदूरी किसी को नहीं दी जा सकती, ये एक तरह से बंधुआ मजदूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट इसमें दी है और अगर सरकार ने इसको लेकर कोई आदेश नहीं जारी किए तो हम जो है हर पंचायत से कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और सरकार के लिए परेशानी पैदा होगा ये। इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियो यहाँ से ऑर्डर करें, जो प्रार्थी जो मजदूर मनरेगा के काम के लिए आवेदन करने जाता है उसको रसीद दे सकती और मनरेगा का 184 रुपये दिहाड़ी दिया जाए और पंचायतों में ठेका प्रथा बंद की जाए, चाहे नरेगा का काम हो चाहे 14 वित्तियों का काम हो। ये सारा काम अगर नहीं अगर पंचायत वीडियो के दफ्तर से होता है तो निश्चित तौर पर जो है हम ब्लॉक लेवल पर जो है धरने शुरू करेंगे और हर पंचायत जो है हर रोज धरना यहाँ देगी, हर रोज धरना देगी हर ब्लॉक के बाहर। अच्छी बात यह है कुछ वीडियोस ने सुजानपुर के वीडियो ने टोनी देवी के वीडियो ने और कुछ और वीडियोस ने जो है ऐसे आदेश जारी कर दिए हैं कि जो पात्र लोग जाएंगे जो काम मांगने जाएंगे उनको रसीद देगा सेक्रेटरी, इसके बावजूद सेक्रेटरी नहीं दे रहे रसीद, इसके बावजूद नहीं दे रहे। तो हमारी मांग है उनके खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई क्यों नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रधान ठेकेदारी करवा रहा है उसको सस्पेंड करो। अगर ये काम नहीं हो रहा है जो चौकड़ी मैंने बताई आपको, प्रधान सेक्रेटरी रोजगार सहायक और टेक्निकल सहायक, ये चौकड़ी है पंचायतों में जो पंचायतों का लाखों लाखों रुपया जो है डकार रहे हैं और ये सारी पंचायतों में नहीं है,
कुछ पंचायतों में है और उन पंचायतों में ज्यादा है जहां पर बीजेपी का आशीर्वाद है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं, एक हमारे जो सांसद भी हैं यहां से, चारों सांसद जो हैं हिमाचल प्रदेश के, जब मनरेगा बजट में कटौती हो रही है वो जुबान नहीं खोलते संसद में, वो इस मुद्दे को उठाते नहीं है और मुद्दे जो है बिना मतलब के जो है वो आज जनता के बीच में उठा रहे हैं जिनका कोई मायना नहीं है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि जो हमारे सांसद भी हैं उनको अंदर रति भर भी कोई शर्म की बात है, जिन मजदूरों से वोट लेकर वो गए हैं, तो मनरेगा का मुद्दा 100 दिन का रोजगार का गारंटी है, 100 दिन का रोजगार लोगों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, इसको लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। और ये पहला चरण है आंदोलन का, इसके बाद अगर ये जो ऑर्डर होते हैं BDOs के वो अगर लागू नहीं होते उसके बाद दोबारा दूसरा चरण शुरू किया जाएगा जिसमें ब्लॉक लेवल पर हर पंचायत धरना देगी, ऐसा हमारा प्लान है।